हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं समरी द विकार ऑफ वेकफील्ड की, जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी नॉवल। 1766 में ये पब्लिश हुई थी। चलिए जल्दी से इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सो जो सबसे मोस्ट फेमस कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो है चार्ल्स प्रिमरोज। सो डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज विकार है और नरेटर भी है। डिबोरा उनकी वाइफ है, डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज़ वाइफ। सो विकार एक तरह की पदवी है, चर्च में काम करने वाले एक पोप की तरह होते हैं, उनको विकार कहते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है ओलिविया एंड सोफिया प्रिमरोज, जो कि डॉटर्स हैं इन दोनों की, चार्ल्स और डिबोरा की। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है स्क्वायर थॉर्नहिल, जो कि एक विलेन है और वुमेनाइजर है। वुमेनाइजर का मतलब जो हमेशा लड़कियों के पीछे रहता है, ऐसा आदमी है स्क्वायर थॉर्न हिल। नेक्स्ट कैरेक्टर जॉर्ज है, जो कि चार्ल्स और डिबोरा का बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर सर विलियम थॉर्न हिल है, जो कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान होते हैं, बेनोवलेंट अंकल ऑफ स्क्वायर थॉर्न हिल। तो ये जो बुरा इंसान होता है स्क्वायर थॉर्न हिल, उसके ही अंकल होते हैं विलियम थॉर्न हिल, और ये बहुत ही एक अच्छे इंसान होते हैं। अभी चले हम लोग नॉवल की शुरुआत करते हैं। द नॉवल ओपन्स विद द विकार एंड हिज फैमिली, डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज हु लिव्स इन हिज कंट्री पैरिश विद हिज वाइफ डिबोरा एंड देयर चिल्ड्रन अमंग हुम आर जॉर्ज ओलिविया एंड सोफिया। तो नॉवल की शुरुआत होती है जहाँ पर विकार अपनी फैमिली के साथ उस कंट्री के पैरिश में रहते हैं, पैरिश यानी कि एक चर्च, अपनी वाइफ डिबोरा और अपने बच्चों जॉर्ज ओलिविया और सोफिया के साथ डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज रहते हैं। दे कैन अफोर्ड अ कम्फर्टेबल लाइफ स्टाइल बिकॉज चार्ल्स वाइजली इन्वेस्टेड इनहेरिटेंस ही रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव हु पास्ड अवे। और वो बहुत ही कम्फर्टेबली अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा होता है, और वो पैसा उन्हें एक अमीर रिश्तेदार से मिला था। जब वो रिश्तेदार मिल गया तब जब वो रिश्तेदार मर गया तब उसने खूब सारा पैसा देकर वो मरा था, इसलिए वो लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता पा रहे थे। चार्ल्स सन जॉर्ज इज सेट टू मैरी एराबेला विलमोट द नेक्स्ट डे। अगले दिन चार्ल्स के बेटे जॉर्ज की शादी एराबेला विलमोट से होने वाली थी। एराबेला कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, एराबेला भी एक बहुत ही अमीर परिवार से है। सो द मैच इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू बोथ फैमिलीज, इसलिए दोनों फैमिलीज बहुत खुश हैं इस बात से कि जॉर्ज और एराबेला की शादी हो रही है। अंटिल द विकार्स इन्वेस्टर गोज बैंक्रप्ट, तो विकार ने अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, एक आदमी को दिया था पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो जो इन्वेस्टर होता है वो बैंक्रप्ट हो जाता है, पूरा पैसा डूब जाता है एंड लूजेस ऑल द विकार्स मनी। तो विकार का पूरा पैसा जो है वो डूब जाता है बिफोर लिविंग टाउन इन अ रश, और वो जो इन्वेस्टर होता है वो आदमी, वो जल्दी से टाउन को छोड़कर भाग जाता है। एज अ रिजल्ट अराबेलाज फादर कॉल्स ऑफ द वेडिंग एंड जॉर्ज इज सेंट टू टाउन। इस वजह से अराबेला के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि अभी ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम लोग गरीब हो गए हो, और जॉर्ज को जल्दी से ऑक्सफोर्ड भेज दिया जाता है पढ़ने वगैरह के लिए क्योंकि अब शादी तो कैंसिल हो गई होती है। द प्रिमरोज फैमिली होप्स ही कैन मेक हिज ओन वे देर, और प्रिमरोज फैमिली सोचती है कि अब जॉर्ज वहाँ रहकर किसी तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई करेगा और शायद कोई बड़ा आदमी वो वहाँ बन पाए। द ओनर्स मूव टू अनदर हम्बलर पैरिश, और उन्हें अपना घर भी छोड़कर एक छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ता है। इट इज़ ऑन अ लैंड ओन्ड बाय स्क्वायर थॉर्न हिल, तो इस बार वो लोग जिस घर में रहते हैं वो जो ज़मीन है वो स्क्वायर थॉर्न हिल की होती है, और वो एक बुरा इंसान होता है। ऑन देयर वे देयर दे लर्न अबाउट थॉर्न हिल्स वुमेनाइजिंग रेप्यूटेशन एंड हिज अंकल सर विलियम थॉर्न हिल्स रेप्यूटेशन विच इज़ वन ऑफ जेनरोसिटी एंड वर्थ। तो जब वो लोग उस घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो स्क्वायर थॉर्न हिल है वो अच्छा आदमी नहीं है और वो औरतों के पीछे रहता है हमेशा, लेकिन जो उसके अंकल है सर विलियम थॉर्न हिल वो बहुत ही अच्छे इंसान है और वो लोगों का भला करते हैं। मीनवाइल सोफिया नियरली ड्राउन्स बट इज रेस्क्यूड बाय अ मैन नेम्ड मिस्टर बर्चिल। तो जो सोफिया जो बेटी होती है चार्ल्स प्रिमरोज की, वो अचानक उसका एक एक्सीडेंट होता है, वो डूबने लगती है, लेकिन मिस्टर बर्चिल नाम का आदमी उसे बचा लेता है। द फैमिली मेट हिम एट एन इन ऑन देयर वे टू देयर न्यू पैरिश, और जो फैमिली होती है वो एक होटल में उस बर्चिल नाम के आदमी से मिलती है जब वो लोग शिफ्ट होने वाले होते हैं।
बोथ मिस्टर बर्चल एंड स्क्वायर थॉर्नहिल विजिट द फैमिली फ्रीक्वेंटली। उसके बाद बार बार उनके घर में मिस्टर बर्चल और स्क्वायर थॉर्नहिल आने लगते हैं। ओलिविया इज स्वेड बाय स्क्वायर थॉर्नहिल्स चार्म। तो जो ओलिविया दूसरी बेटी होती है डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज की, उसे स्क्वायर थॉर्नहिल पसंद आने लगता है। आफ्टर शी रिपोर्टेडली फ्लीज द पैरिश, चार्ल्स इनिशियली बिलीव्स मिस्टर बर्चल टू बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हर डिसअपीयरेंस। हाउएवर व्हेन ही फाइंड्स ओलिविया ही लर्न्स दैट इट वाज स्क्वायर थॉर्नहिल। तो उसके बाद ओलिविया एक दिन घर से भाग जाती है, तो चार्ल्स को लगता है कि मिस्टर बर्चल उसे भगा ले गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ओलिविया से कि जो उसे भगा ले गया था वो और कोई नहीं बल्कि स्क्वायर थॉर्नहिल था, हु परसुएडेड हर टू मैरी हिम दो ही इंटेंडेड ओनली टू अंडरगो अ मॉक वेडिंग। तो थॉर्नहिल उसे भगा ले गया था, स्क्वायर थॉर्नहिल ओलिविया को, और कहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन वो शादी नहीं थी, वो बस एक झूठी शादी थी, और वो झूठी शादी करने के बाद उसे छोड़ने वाला था स्क्वायर थॉर्नहिल, लेकिन ओलिविया को इसे पता चल गया था और इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर वापस आ गई थी। ओलिविया रिटर्न्स होम विद चार्ल्स ओनली टू फाइंड दैट देयर हाउस इज ऑन फायर। तो ओलिविया जब चार्ल्स के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि उनके पूरे घर में आग लग चुकी है। द फैमिली लूज ऑल देयर पोजेशंस एंड मनी। तो थोड़े बहुत जो पैसा वगैरह बाकी रह गया था वो भी सब आग में जल जाता है, लेकिन जो स्क्वायर थॉर्नहिल है वो अपनी डिमांड करता रहता है कि तुम लोग रेंट भरो, पैसा दो मुझे, वो बार बार रेंट मांगता ही रहता है जबकि उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते। सिंस चार्ल्स कैन नॉट पे, स्क्वायर थॉर्नहिल गॉट हिम अरेस्टेड एंड पुट इन डेटर्स प्रिजन। तो चार्ल्स के पास पैसे देने के लिए होते नहीं है, इसलिए स्क्वायर थॉर्नहिल उसे अरेस्ट करवा देते हैं और उसे डेटर्स प्रिजन, एक ऐसे जेल में भिजवा देते हैं जो ऐसे लोगों के लिए था जो पैसे नहीं दे पाते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा लोन होता है, उनको डेटर्स कहते हैं। तो इस तरीके से चार्ल्स जेल चले जाते हैं। जॉर्ज चैलेंजेस द स्क्वायर। तो बेटा लौट के आता है चार्ल्स का जॉर्ज, और वो चैलेंज करता है उस स्क्वायर को कि हिम्मत है तो मुझसे लड़, बट इज़ अरेस्टेड एज वेल। लेकिन वो स्क्वायर थॉर्नहिल जॉर्ज को भी अरेस्ट करवा देते हैं। सोफिया इज़ अबडक्टेड एंड ओलिविया इज़ रिपोर्टेड डेड। उसके बाद ऐसा पता चलता है कि सोफिया का किसी ने अबडक्शन कर लिया है, किडनैप कर लिया है, और ओलिविया को किसी ने मार दिया है। मिस्टर बर्चल रेस्क्यू सोफिया एंड डिटरमाइंस दैट ओलिविया इज अलाइव। मिस्टर बर्चल सोफिया को बचा लेते हैं और पता लगाते हैं कि ओलिविया जिंदा है। द विकार लर्न्स दैट बर्चल्स ट्रू आइडेंटिटी इज नन अदर देन सर विलियम थॉर्नहिल। विकार को पता चलता है कि बर्चल कोई और नहीं बल्कि सर विलियम थॉर्नहिल हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी देर इज अ डबल वेडिंग ड्यूरिंग विच जॉर्ज एंड एरेबेला आर फाइनली एबल टू मैरी एंड सर विलियम थॉर्नहिल मैरीज सोफिया। स्टोरी के एंड में एक डबल वेडिंग होती है जिसमें जॉर्ज और एरेबेला की फाइनली शादी होती है और सर विलियम थॉर्नहिल सोफिया से शादी करते हैं। इट टर्न्स आउट दैट द मॉक वेडिंग दैट स्क्वायर थॉर्नहिल हैड प्लान्ड विद ओलिविया वाजंट फेक एंड दे आर एक्चुअली मैरिड। और फिर ये भी पता चलता है कि स्क्वायर थॉर्नहिल जो कि झूठी शादी करना चाहता था ओलिविया से, वो झूठी नहीं बल्कि असली में उनकी शादी हो गई है। इन अ फाइनल ट्विस्ट द बैंक्रप्ट इन्वेस्टर हु लेफ्ट द विकार्स मनी एट द बिगनिंग इज रीडिस्कवर्ड एंड चार्ल्स वेल्थ इज रिस्टोर्ड। फाइनल ट्विस्ट आता है स्टोरी में जब वो जो इन्वेस्टर जो शहर छोड़कर भाग गया था वो भी लौट आता है और विकार को अपना पैसा वापस मिल जाता है, जो कि नॉवेल के स्टार्टिंग में उसका पैसा डूब गया होता है, वो पैसा वापस मिल जाता है और विकार फिर से अमीर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ अच्छा हो जाता है एंड में और यहीं पे हमारी नॉवेल ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये नॉवेल समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।